अरे राजा मौली सर जी, ये तो बड़ा गर्व की बात है कि आपकी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के ओरिजिनल सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिल गया और आप इस खुशी में खीर और पीले चावल बांट रहे हैं। अरे रामचरण, थोड़े से पीले चावल और दो। राजा मौली सर के साथ तुमने अकेले ही काम नहीं किया है, हमने भी बाहुबली में काम किया है, समझे? देखो फिर बॉस, ये पीले चावल लेने वाले तुम अकेले आदमी नहीं हो, सारे लोगों को मुझे बांटना है, समझे? और खुशी की बात तो है, हमारे गाने नाटू नाटू के ओरिजिनल सॉन्ग को ऑस्कर मिल गया। अरे राजा मौली सर जी, मेरे साथ भी एक आध फिल्म को ना कर लो। बाहुबली के बाद मेरी कोई भी फिल्म सही तरीके से नहीं चल पाई है, कर लो एक आध फिल्म मेरे साथ। आपने मुझे RRR में क्यों नहीं लिया? क्या मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता? देखो फिर बाद में कहानी के हिसाब से एक्टर को चुनता हूँ, समझे? RRR में जूनियर NTR और रामचरण बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें चुना। और बाहुबली में तुम सही बैठ रहे थे तो तुम्हें चुन लिया। चलो वो तो कोई बात नहीं है, तुम मुझे चुनो या ना चुनो, कम से कम खीर तो दे दो पत्तल में। अरे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है आपने, कम से कम खीर तो दो। खीर क्यों बचा रहे हो? अरे प्रभास, बचा कह रहा हूँ, लाओ पत्तल आगे को लाओ, जितनी खीर खाना है खा लो। अरे राजा मौली सर जी, एक आध फिल्म मेरे भी साथ कर लो। अभी तो आपकी फिल्म के गाने ने ऑस्कर जीता है, अगर आपने मेरे साथ काम कर लिया तो आपकी फिल्म ही ऑस्कर जीत जाएगी। चलो अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें अगली फिल्म में लेने के बारे में सोचूंगा 1000 बार। अरे राजा मौली सर जी, 1000 बार क्यों सोचोगे? एक बार सोचना मुझे लेने के बारे में। अरे अर्जुन कपूर, तुम्हें लेने के लिए 1000 बार ही सोचना पड़ेगा। और जूनियर NTR, तुम किसी को कुछ नहीं दे रहे हो। रामचरण देखो पीले चावल सबको दे रहा है, तुम भी तो किसी को कुछ दो। अजीब बात करते हो राजा मौली सर जी, अरे एक भगोने में खीर है, एक भगोने में पीले चावल है, पीले चावल को रामचरण बांट रहा है और खीर को आप दे रहे हो सब लोगों को, तो मैं क्या दूं किसी को, ये बताओ? तीसरी कोई चीज होती तो मैं भी किसी को कुछ दे देता। और राजा मौली सर जी, बहुत खुशी मिल रही है कि अपनी फिल्म के ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।